चलिए अब आपको रुख करवाते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के जालौन में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान ट्रैक्टर पर सवार होकर किसानों ने मंडी परिषद से कलेक्टर परिसर तक तिरंगा यात्रा निकालते हुए सरकार को संकेत दिया कि किसानों के हित में जल्द से जल्द कार्य करें, उनकी जो मांगे हैं उन मांगों को तय समय के अनुसार पूरा किया जाए। आगे किसानों ने कहा कि सरकार किसानों के साथ वादा खिलाफी कर रही है, सरकार जब तक हमारी मांगे नहीं मानेगी हम सब पीछे नहीं हटेंगे। जालौन से पुष्पेंद्र त्रिवेदी की रिपोर्ट। आज भारतीय किसान यूनियन के द्वारा एवं किसान मोर्चे के आह्वान पर, जो राष्ट्रीय आह्वान था, हर जिला मुख्यालय पर ट्रैक्टर मार्च तिरंगा यात्रा थी, उसको लेकर के मंडी से हम कलेक्ट्रेट गेट तक आए हैं। यहाँ पर हमने एक माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया है, दूसरा एक जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है। तो हमारी मांगें जो थी, MSP गारंटी कानून बनना चाहिए, किसानों का कर्जा माफ होना चाहिए, अन्ना जानवरों का प्रबंधन होना चाहिए, बिजली की व्यवस्था जो बहुत ख़राब है उसको सुधरना चाहिए। अगर बिजली माफ़ की है तो बिना शर्त माफ़ करें, शर्त लगा करके माफ़ी का कोई मतलब नहीं है। इस तरह की हमारी बहुत सारी समस्याएं थी, उनका ज्ञापन आज यहाँ पर सौंपा गया है। यह मेरा कार्य। तो ये मांगे तो आप काफ़ी टाइम से मांग कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी इसका निष्कर्ष अभी तक नहीं निकला। बिल्कुल हमारी पुरानी मांगे हैं और कोई नई मांग नहीं है, लेकिन सरकार वादा खिलाफी कर रही है, जब तक मांगे मनवा नहीं जाएंगे पीछा नहीं छोड़ेंगे सरकार। आपने आज ट्रैक्टर रैली भी निकाली थी, कितने ट्रैक्टर हैं और इससे क्या संदेश देना चाहते हैं? हम तो नहीं समझ पाए, मौसम सुबह से ख़राब था, बहुत कम से कम लोगों को बुलाया था, फिर भी आप लोगों ने देखा होगा सैकड़ों की तादाद थी। ट्रैक्टर से क्या संदेश देना चाहिए? हमारा वाहन है ट्रैक्टर हमारा वाहन है और ये हमारी, हम इससे आटा पिसाने जाते, हमारी कोई बीमार हो जाता उसको हम दिखाने जाते, हमारी कोई बहू बेटी को हमें बस अड्डे तक भेजना हो तो हम ट्रैक्टर से जाते, ये तो हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, लोगों के पास गाड़ियाँ, किसान के पास ट्रैक्टर। भारतीय किसान यूनियन द्वारा आज ट्रैक्टर मार्च निकाला गया शहर में और कलेक्ट्रेट पे पहुंच करके माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय को कुल 10 सूत्री कार्य मांग दिया गया है। मांग पत्र में जो भी समस्याएं हैं माननीय प्रधानमंत्री को यथास्थान पहुंचा दिया जाएगा। कुछ स्थानीय स्तर की समस्याओं को जिलाधिकारी महोदय को संबोधित ज्ञापन दिया गया, जिलाधिकारी स्तर के स्तर से जो भी समस्याएं हैं उसका निराकरण कराया जाएगा। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के बांदा में सफाई कर्मचारियों ने स्थायीकरण की मांग को लेकर DM के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन के माध्यम से सफाई कर्मचारी संघ ने कहा कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट बेस और संविदा पर कार्य कर रहे कर्मचारियों की स्थायीकरण किया जाए। आगे उन्होंने कहा कि जिस तरह से केरल गुजरात राज्यों में संविदा सफाई कर्मचारियों को स्थायी किया गया है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी स्थायीकरण की व्यवस्था की जाए। बांदा से साकेत अवस्थी की रिपोर्ट। नगरपालिका परिषद बांदा से जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी हैं, अपनी व्यथा को और अपनी पीड़ा को लेकर माननीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने आए थे। क्या मुख्य मांगे हैं आपके? हमारी मुख्य मांगे हैं कि जो अन्य राज्यों में, जैसे पंजाब है आपका, केरल है और आपका गुजरात है, इन राज्यों में जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी, चाहे वो आउटसोर्सिंग रहा हो, चाहे वो समझा रहा हो, चाहे वो ठेकेदारी पर रहा हो, सारे कर्मचारियों को स्थायी किया गया है। ठीक उन्हीं प्रकार से हमारे भी उत्तर प्रदेश में हमारे कर्मचारियों को भी स्थायी किया जाए। हमारी दूसरी मांग ये है कि जो समान कार्य है, समान कार्य का समान वेतन जो नरेंद्र मोदी द्वारा जो लिखा गया है, जिसमें कि उसमें हमने उनका प्रपत्र भी उसमें संलग्न किया है, तो उसमें हम ये चाहते हैं कि समान कार्य का समान वेतन जैसे सभी राज्यों में मिल रहा है, ठीक उसी प्रकार से हमारे भी उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को भी मिले। रहा सवाल जो हमारे स्थानीय कर्मचारी हैं, उनके साथ में बहुत अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है। जो हमारे आउटसोर्सिंग ठेके पर कार्य करते हैं कर्मचारी, उनको अक्सर 2 साल, 1 साल में उनको 4 साल, कोई जो 8-8 10-10 साल के नौकरी कर चुका है, लेकिन फिर भी उसको प्रशासन, नगरपालिका प्रशासन के लोग उसको हटा देते हैं और उसकी जगह में दूसरा आदमी रख लेते हैं, जिससे हमारे कर्मचारियों का परिवार भुखमरी का शिकार हो जाता है और वो अपनी फरियाद को लेकर बराबर निरंतर भागता रहता है, लेकिन उसको कहीं न्याय नहीं मिलता है।
खबर उत्तर प्रदेश के जालौन जिले की है, जहां कदौरा थाना क्षेत्र में स्कूली बच्चों को ले जा रही तेज रफ्तार वैन खाई में पलट गई। वैन पलटने के बाद बच्चों में चीख पुकार मच गई। वैन में सवार 15 बच्चे घायल हो गए, जिनमें से 7 बच्चे गंभीर घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार कर सभी 7 बच्चों को गंभीर हालत मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि वैन में डेफ फोडी किड्स एकेडमी कदौरा के 26 बच्चे सवार थे, जो परिवहन विभाग की मिलीभगत से बिना फिटनेस के वैन सैकड़ों सड़कों पर दौड़ रही थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जालौन से पुष्पेंद्र त्रिवेदी की रिपोर्ट। गाड़ी पलट गई। कैसे? गाड़ी चला के सो। अच्छा, कितनी चोट आ गई? आपको चोट लग गई है? हाँ। कितने लोग बैठे थे गाड़ी में? 26 लोग। गाड़ी पलट गई थी वो बड़ा गांव के पास में। जी, उधर पड़ी थी तो उधर से रास्ता खराब हो गया, तो गाड़ी पलट गई थी। जी, कितने लोग गाड़ी में बैठे थे आप लोग? गाड़ी में 25 लोग बैठे थे। कौन सी गाड़ी थी जो 25 लोग बैठे थे? क्लूजर थी। कितने लोग आपके साथी जो हैं जिसमें कि घायल हो गए थे? 5 लोग घायल हुए। 5 लोग घायल हुए काय में थे आप लोग? गाड़ी में थे। क्या हो गया है गाड़ी में? गाड़ी पलट गई है। कैसे गाड़ी पलटी है? पता नहीं कैसे पलटी है। स्कूल पढ़ने दौड़े थे। काय में थे आप? क्लूजर गाड़ी। गाड़ी कैसे पलट गई? गाड़ी पलट गई, एक वहाँ खंडक था तो पलट गई, खंडक था तो गिर गई नीचे। जी, एक हाथ छोड़े तो ड्राइवर पलट गई, एक बच्ची के मारने में दे थे थोड़ी जी। एक हाथ से चला रहा था तो पलट गई। यहाँ पे बड़े गांव चौपड़ रोड में बच्ची का बर्तन पर वहाँ पे वैन पलट गई थी। हम वहीं पे टहलने गए थे तो हमारे देखते देखते 3-4 काटी खाई, वैन पलटी है। हम गए वहाँ पे, 3 लड़के थे, हम जल्दी जल्दी बच्चों को निकाला है, घायल हो गए थे बच्चे 4-5। और वो ड्राइवर हमसे कह रहा है कि वैन को फोन कर रहे हैं, भग गए वो जल्दी से, और हम बच्चों को निकालने लगे थे और बच्चों को बहुत ज़्यादा चोट आ गई थी। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल कदौरा पुलिस मौके पर पहुंची, बच्चों को CSC ले गई इलाज कराने के लिए। वहां से 7 बच्चों को रेफर किया गया है। बच्चों की हालत सामान्य है और हम बच्चों के इलाज के लिए भी हमने अपनी जो पुलिस फोर्स है मेडिकल कॉलेज रवाना की है, उसमें इलाज में पूरा सहयोग किया जा रहा है। साथ ही इसमें अभियोग भी पंजीकृत किया गया है और जल्दी भी इसमें विधिक कार्रवाई हम करेंगे। टोटल 15 बच्चे CSC में आए हैं, जिसमें से 7 बच्चों को यहाँ से रेफर किया गया और ये स्कूल बस पलटने से उनका एक्सीडेंट हुआ। कितने बच्चे ज़्यादा गंभीर थे जिनको कि जिला अस्पताल से भी रेफर किया जा सकता है? क्या 7 बच्चों को मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया है। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। बुंदेलखंड में वैसे तो तमाम ऐतिहासिक इमारतें हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है, लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो बुंदेलखंड अपना अलग महत्व रखता है। बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार कहे जाने वाली कालपी नगरी में नागपंचमी के दिन भव्य मेले का आयोजन होता है। साथ ही यहाँ पर 95 फीट लंबी नागिन और 180 फीट लंबे नाग देवता की पूजा की जाती है। इस मौके पर बुंदेलखंड में 200 वर्षों से मेला और दंगल के आयोजन की परंपरा भी चली आ रही है। जालौन जिले के कालपी कस्बा में नागपंचमी के दिन लंका मीनार पर भक्तों की भीड़ उमड़ी। जालौन से पुष्पेंद्र त्रिवेदी की रिपोर्ट। ये 1875 से लग रहा है, ये हमारे बाबू मत्ता प्रसाद निगम मकीर बुंदेलखंड के फर्स्ट डायर, उनकी जन्मदिन के अवसर पर मेला लग रहा है। क्या आस्था है इसमें? आस्था ये है कि सबसे पहले जब बाबू मथुरा प्रसाद निगम का जन्म हुआ था, उनके पास नाग नागिन रहे थे 6 महीने। उसके बाद नाग नागिन गायब हो गए तो नौकरन मार दिए, तो उस पर फिर उन्होंने सोने के नाग नागिन बनवाए। फिर उसके बाद उनको अनाप शनाप सोना चांदी जो मिला हो तल, उसके बाद उन्होंने सबसे पहले चित्रगुप्त का ये मंदिर बनवाया, ये लंका मीनार बनाई। लंका मीनार चूना कौड़ी केसर उरद की दाल से मिलकर के तैयार हुई है। इस अवसर पर 1875 से आज तक अनवरत ये मेला लग रहा है। ये 1875 से लग रहा है, ये हमारे बाबू मत्ता प्रसाद निगम मकीर बुंदेलखंड के फर्स्ट डायर, उनकी जन्मदिन के
अवसर पर मेला लग रहा है। क्या आस्था है इसकी? आस्था ये है कि सबसे पहले जब बाबू मथुरा प्रसाद निगम का जन्म हुआ था उनके पास नाग नागिन रहे थे 6 महीने।